ठंड की शुरुआत होते ही पशु चुराने वाले बदमाशों का आतंक जारी है, पुलिस पड़ रहे भारी। ठंड की शुरुआत हो चुकी है तो वहीं दूसरी ओर पशु चुराने वाले बदमाश भी देहात क्षेत्रों में अपना डेरा जमाने के लिए निकल चुके हैं। आंख बचते ही पशुओं को चुराने का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन अगर बात पुलिस की मुस्तैदी की कही जाए तो हर रोज हो रही पशु चोरी की घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर पशु लुटेरों का आतंक जारी है। बदमाशों के द्वारा तमंचे के बल पर फायरिंग करते हुए चार पशुओं को लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। फायरिंग के दौरान एक युवती के पैर में भी गोली लग गई, वहीं दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज भेजा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पशु लुटेरों का आतंक रोजाना बढ़ता जा रहा है। पुलिस पशु लुटेरों के आगे बौना नजर आ रही है। पशु लुटेरे क्षेत्र में रोजाना लूट की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, जहां पुलिस पशु लुटेरों को पकड़ने में नाकाम नजर आ रही है। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली इलाके में एक तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर से स्कूटी सवार मामा भांजे की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। आपको बता दें कि जिले की मल्लावा बिलग्राम हाईवे पर ग्राम रोशनपुर के पास एक तेज रफ्तार डीसीएम की टक्कर से स्कूटी सवार मामा भांजे की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल 65 वर्षीय बलदेव अपने भांजे राहुल के साथ अपनी बहन को देखने हरदोई के एक निजी अस्पताल गए थे। वहां से बहन को देखकर वापस लौटते समय ग्राम रोशनपुर के पास डीसीएम ने स्कूटी सवार मामा भांजे को टक्कर मार दी, जिससे दोनों मामा भांजे की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। घर वालों को खबर मिलते ही कोहराम मच गया। एक गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब गांव में बन रही सड़क को लेकर एक ही परिवार के दो पक्ष सामने आ गए। चंद गज की जमीन को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि कहासुनी के बाद लाठी डंडे और फावड़े को लेकर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण ने बताया कि एक सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कोतवाली इगलास में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। खबर आगरा जिले के थाना सिकंदराबाद की है, जहां एक ट्रैफिक सिपाही ने बचाई युवक की जान। महिला से छेड़छाड़ का आरोप था। आरोपी युवक पर वायरल वीडियो में आधा दर्जन से अधिक लड़कियों से बलात्कार कर हत्या करने का आरोप लगा रही महिला। महिला ने लोहे के औजार से की युवक की पिटाई। खून से लथपथ होने के बाद भी युवक को पीटती रही महिला। कानून को हाथ में न लेने की करता रहा गुजारिश ट्रैफिक सिपाही। थाना सिकंदरा के गुरुद्वारा की बताई जा रही है वायरल वीडियो। पूरे प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने सरकार के द्वारा लाए गए किसान बिल व गन्ना के बकाया भुगतान व इस वित्त वर्ष के गन्ना खरीद के रेट में बढ़ोतरी किए जाने के साथ ही किसानों के बिजली के बिल व अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कचहरी के नजदीक उद्यान विभाग के परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसानों का कहना था कि सरकार जल्द से जल्द बकाया का भुगतान कराए और रेटों में सुधार करे और सरकार ने जो मौजूदा किसान बिल बनाया है इस बिल को समाप्त किया जाए, वो किसानों के हित में नहीं है, इस बिल को वापस किया जाए। यदि सरकार इस बिल को लाना ही चाहती है तो इसमें कुछ सुधार करे। वर्तमान सरकार अगर इन सभी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं हुई तो किसान सड़कों पर आकर हक की आवाज बुलंद करेगा। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।